स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 7.1। इसके दो क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ जो हमको क्वेश्चन दिया गया है रेशियो, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन की तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो फर्स्ट है 2.1 मीटर टू 90 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं, तो हमें इसमें क्या करना है, दोनों में से एक यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो आइए कर लेते हैं, पहले मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इन वन मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो इन 2.1 में कितने होंगे, 2.1 को सिर्फ 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2100। यहाँ पे वन डिजिट का पॉइंट है, तो ये मीन्स 210 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन इसका रेशियो करेंगे, 210 सेंटीमीटर इसको 90 सेंटीमीटर। तो किस तरह से 210 इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 90 जीरो जीरो कैंसिल, 9 9 इसको हम कैंसिल करेंगे, सॉरी ये हमने 3 से कैंसिल किया, 3 3 9 3 7 20। हमारा आंसर क्या बना, 7/3 मीन्स 7:3। इसका रेशियो क्या बन गया, 7:3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, 3 hours 25 seconds। अब देखिए यहाँ से 3 hours है, यहाँ 25 seconds है, तो इसमें भी हमें एक यूनिट को कन्वर्ट करना है। आप यहाँ आर्स को कन्वर्ट करिए, वन आर्स में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 क्यों होते हैं, क्योंकि वन आर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। क्लियर बेटा, तो इसलिए हम ये 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्लियर, इसमें हमने यहाँ पे इसे डायरेक्ट किया है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड इज़ टू 25 सेकेंड। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, 25 इसे अब हम आप कैंसिल करके इसका आंसर लिखेंगे, इसका रेशियो में आप आंसर खुद से लिखेंगे। क्लियर बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बचे हुए क्वेश्चन पे आप इसी तरह से फर्स्ट यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे और बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ 150 एप्पल्स इन अ बास्केट, 30 एप्पल्स आर फाउंड रोटेन। 150 एप्पल में से 30 एप्पल जो है वो खराब हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारे पास 150 एप्पल है जिसमें 30 एप्पल्स जो है खराब हो गए हैं, तो कितने एप्पल सही बचे, 120 एप्पल जो है वो सही है। 150 में से 30 खराब हो गए हैं, 120 एप्पल सही है। तो अब हमें ये इसमें देखना है, ये हमारे पास है टोटल एप्पल, ये है रोटेन एप्पल जो खराब हो गए हैं, और ये मतलब जो एप्पल अच्छे हैं वो गुड एप्पल। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ रोटेन एप्पल टू द नंबर ऑफ गुड एप्पल। हमें रेशियो बनाना है, किसका रेशियो बनाना है, रोटेन एप्पल एंड गुड एप्पल। तो हमारे पास रोटेन एप्पल कितना है, 30। पहले हमारे पास रोटेन एप्पल है 30 और गुड एप्पल है हमारे पास 120, इसका रेशियो बनाना है। ठीक है, तो रेशियो हमारा ये होगा, हमने इसका रेशियो बनाया 30:120। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 120:0 कैंसिल, 3 3 3 4 12, 1:4। क्लियर, नाउ सी नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ गुड एप्पल, गुड एप्पल एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल।
120:2 और टोटल एप्पल है हमारे पास 150। इसका भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है इसे भी, तो ये 00 कैंसिल। फिर अगेन ये 3 से 3 4 12, 3 5 15, तो 4:5 ये हमने इसका सिंप्लीफाई किया है तो रेशियो आया है 4:5। नाउ लास्ट वन इज द रेशियो ऑफ रोटेन एप्पल, रोटेन एप्पल एंड टोटल एप्पल, इनका रेशियो बनाना है। तो रोटेन एप्पल हमारे पास कितना है, 30:1, टोटल एप्पल है हमारे पास 150। तो इसका भी सिंप्लीफाई करने के बाद रेशियो क्या बनेगा, 00 कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15, 1:5। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। आगे के लिए यहाँ तक आपको बेटा क्वेश्चन 4 तक वर्क अपना कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में देखें।